जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राय हल्का विधायक एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल भड़ोली ने गांव में करवाए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए जन सुनवाई की। उन्होंने प्रमुखता से अधिकांश जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही करवाया। साथ ही उन्होंने जनसंवाद की शुरुआत में ही दतोली गांव में खुला ऐलान किया कि गांव में ऐसा वृद्ध व्यक्ति उनके समक्ष प्रस्तुत करें जिनकी आयु 65 वर्ष की हो और उनकी पेंशन ना बनी हो। जनसंवाद कार्यक्रमों के दूसरे चरण में विधायक मोहनलाल भड़ोली घनौर हल्के के गाँव में ग्रामीणों की सुनवाई कर रहे थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने दतोली गाँव से की। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब बुजुर्ग की पेंशन खुद ही बनकर उनके खातों में आ रही है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पेंशन ना बनी हो तो उसे सामने लाएं, जिस पर वे 1,000 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान करेंगे और संबंधित व्यक्ति की 1 वर्ष की पेंशन जो है उसे उपलब्ध करवाएंगे। ग्रामीण ऐसे किसी भी बुजुर्ग को प्रस्तुत नहीं कर सके, जबकि विधायक ने जानकारी दी कि दतोली में पहले से ही 505 लोगों की पेंशन बनी थी। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है, सभी मंत्रियों की लगाई गई है, सभी सांसदों की लगाई गई है और मुख्यमंत्री जी स्वयं 5 गांव में आएंगे। 90 विधानसभा हरियाणा प्रदेश में है, प्रत्येक विधानसभा के 5 गांव मुख्यमंत्री जी करेंगे और 10 गांव मंत्री करेंगे, 5 गांव सांसद करेंगे। ऐसे प्रत्येक विधानसभा के 20 गांव मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिए हैं और जो बाकी विधायक बचे हैं 28 विधायक, इसी प्रकार से जिस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है ऐसी अनेक विधानसभाएं, हमारे 41 विधायक हैं, बाकी जो विधानसभा बची है उन सब में, यहाँ गन्नौर की जो विधायक है वो दूसरी विधानसभाओं में जाएगी, इसी प्रकार से जनसंवाद करेगी। लोगों की समस्या सरकार तक पहुँचाने के लिए जनसंवाद किया जा रहा है और बहुत अच्छे से आज मेरे 4 गांव पूरे हुए हैं। एक भोगीपुर गांव बाकी है, अभी अगवानपुर गांव में है, इससे पहले हम आवलाना गांव में थे, उससे पहले बाय गांव में थे और स्टार्टिंग दतोली गांव से किया था। तो लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, बिजली की भी है, पीने के पानी की भी है, नालियों की भी है, गलियों की भी है, सड़कों की भी है और बहुत सारे जो परिवार पहचान पत्र को अलग करवाने की भी है। परिवार पहचान पत्र में ज़्यादा इनकम जो आई हुई है उसकी वेरिफिकेशन का भी है, ऐसे अनेक काम हैं। और एज की पेंशन जो 60 साल के एज हो गई उनके पास एज का प्रूफ नहीं है, उनको मेडिकल के माध्यम से बोर्ड गठन करके और उनकी एज वेरीफाई करके पेंशन मनवाई जाए, इस प्रकार की अलग अलग हमारे पास डिमांड आई है। बिजली की बहुत सारे तार नीचे लटके हुए हैं, बहुत सारे गाँव में बिजली कम मिलती है, बहुत सारे गाँव में ट्रांसफार्मर या बिजली के पोल गली के अंदर हैं, ऐसे जो काम है अनेक अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम आए हैं, इन सब की जानकारी सरकार तक जाएगी और इन सब का समाधान करेंगे, इन सब को दूर करने का प्रयास सरकार का है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के 9 वर्ष शासन को हुए हैं, बहुत अच्छा शासन देने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जो लाभकारी योजनाएं चली हैं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उसका लाभ मिला है और विकास नीचे तक पहुंचा है। गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का जो सरकार ने काम किया है मैं इसके लिए बधाई देता हूं। अब बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो मौके पर तुरंत हल होने की नहीं है, उनकी कागजी काम होगा, उसके बाद अधिकारी उस काम को करेंगे और इसमें 15-20 दिन लगेंगे प्रत्येक समस्या के समाधान में। कई समस्याएं ऐसी हैं विकास से जुड़ी हुई हैं, उनका बजट आएगा, बजट आने के बाद वो काम होंगे। तो अलग अलग प्रकार की शिकायतें हैं और जो ये परिवार पहचान पत्र की, पेंशन की और ये जो छोटी छोटी शिकायतें हैं ये प्रत्येक महीने के 25 तारीख को जो भी एक महीने में अपडेट होता है उसको 25 तारीख को पोर्टल पर हम चढ़ाते हैं और 25 तारीख हर महीने की 25 तारीख को हम उसको अपडेट करते हैं। तो जितनी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं ये सभी आने वाली जो अगली 25 तारीख होगी उस तक इन सब का समाधान करने का काम करेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।